अगर आप चाहें तो, ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबाणी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर दो, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट आपको कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि वो होने वाला है, क्योंकि एक सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे हो जाते हैं। जिसने किसी ने कैलकुलेट कर रखा होगा वो भाई लिख के हमें भेज देना कि एक मिनट में कितने पूरे वर्ल्ड में और भारत में कितने, और एक दिन में, एक घंटे में और गुजरते कितने हैं, बैलेंस कितना बच जाता है। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है। और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है, जब सर्दी चाहिए गर्मी है और गर्मी चाहिए सर्दी है। ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है। तो ये खुद मुख्तियार इंसान, आज जिम्मेदार इंसान, इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है। और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके परले महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। एक आपको उदाहरण दिया करते हैं।